गाड़ी में काफी एक्सीडेंट्स हुए हैं। सरकार ने जो एनआरसी पंजीकरण चालू करी है ना, तो उसका बहुत बड़ा धक्का बैठा मेरे को। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? लव एन एवन लव नेचर लव ऑल व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली। तो गाइस, जब मैंने नई गाड़ी ली थी तो उसमें मेरी गाड़ी में स्टॉप बम्पर लगे थे आगे भी और पीछे भी, तो जिसमें मेरी ये नंबर प्लेट थी, गवर्नमेंट अप्रूव्ड वाली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट थी। तो इसके बाद जब मैंने अपनी गाड़ी में काफी एक्सीडेंट्स हुए, मतलब कि इधर के छोटे छोटे टच हुई गाड़ी, मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मैं कहा यार स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, डेंट पड़ रहे हैं, तो मैंने जाके बिमरा 4x4 में गुड़गांव में, सो मैंने आगे पीछे क्रैश गार्ड लगवा ली थी काफी हैवी क्वालिटी की। उसमें क्या था, फिर ये प्लेट्स इतनी लंबी थी ना, तो उसमें है ना कहीं भी फिट नहीं हो रहा था ये दोनों के दोनों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, और उस टाइम चलाने इतने हैवी कॉस्ट नहीं थे। तो मैंने क्या करा था, इनको हटा के मैंने व्हाइट वाली छोटा सा स्टिकर लगवाया बम्पर के ऊपर, पेस्ट करवा के मैंने नंबर उसी पे पेस्ट कर दिया। तो 2.5 साल मैंने लगभग गाड़ी उसी तरीके से चलाई। पिछले साल मैंने एक वीडियो डाली थी हाई सिक्योरिटी के ऊपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि ये बेसिकली है क्या। अब आपको पता है पिछले सितंबर 19 से चालान काफी हैवी कॉस्टली हो गए हैं, और दिल्ली से बाहर एक मेरा भाई ट्रिप मारने गया था, इसी गाड़ी पे गया था, तो आगरा में उनको पकड़ लिया था। खैर अपने गाड़ी में तो खैर थोड़ा पहचान वहचान थी, कुछ था, तो हमने बच गए थे, चालान नहीं कटा था। बट अगर मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा कोई दिक्कत हो बाद में, तो अब हम अपनी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को इंस्टॉल करेंगे। अब पीछे कैसे इंस्टॉल करना है, आगे कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी जॉब हम आपको बताएंगे, कॉस्ट कितनी पड़ी ये बताएंगे, और बिल्कुल अच्छे स्टाइलिश लगेगी, बहुत अच्छा लगेगा। इसको मैं लगाऊंगा स्टेपनी के ऊपर, स्टेपनी के ऊपर मैंने इससे पहले मैंने पता किया था कश्मीरी गेट में, बट वो मेरे को कह रहे थे आपके लिए स्पेशल बनानी पड़ेगी, तो 3-4 हज़ार रुपये समथिंग कॉस्ट पड़ेगी, तो हम इसको अंडर 500 करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं सीधा शॉप पर और इसकी जॉब डन करते हैं, देन आफ्टर आप बताना कमेंट सेक्शन में चीज़ अच्छी है खराब है, कैसा कैसा रिव्यू है, वो आप मेरे को इसके बारे में बता देना। सीधा शॉप पर चलते, चलिए दोस्तों। इस प्लेट को मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ये दो बोल्ट में पत्ती अटैच करके हल्की सी बाहर कर दूंगा, और यहाँ ये ऐसे लग जाएगी तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। और ये जो मेरी गाड़ी में ये जो स्टिकर लगा हुआ है, इसको मैं बंद कर दूंगा, यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देंगे, और कुछ सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, ये ना इस सामान को हम लेके चल रहे हैं। ये पत्ती है और ये एंगल है, और प्लस एक लोहे की प्लेट लेंगे जो इसके पीछे लगा के वेल्ड कर देंगे, बाकी जॉब इज डन। चलते हैं डायरेक्ट शॉप पे, अब वहीं मिलते हैं आपसे।
नेक्स्ट डे लेटर। कुछ इस टाइप से नंबर प्लेट हमें दिख रही है। ये प्लास्टिक का कवर भी मेरे को फ्री में मिल गया था, और ये भी मेरे घर में जो रॉड पड़ी हुई थी, ये छोटी सी इतनी मोटी है, ये आपको दिख रही होगी। इसमें मैंने यहाँ से इसको हीट दे के ना इसको मैंने बेंड करवाया है, और कुछ इस टाइप से दिख रही है ये। और इसके पीछे मैं यहाँ आपको दिखा दूँ तो इस साइड में छोटी सी एक लोहे की ये दिख रही होगी आपको, ये लोहे की वही मोटी पत्ती है जिसको मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैंने यूज़ किया था। और नंबर प्लेट कुछ दूर से इस टाइप की दिख रही है। ये वाली जो प्लेट नंबर है इसमें मैं वाइट को रहने दूंगा, जो ब्लैक नंबर लिखे हैं इसको मैं हटा दूंगा बिल्कुल। तो गाइस गाड़ी देखने में लुक सो सेक्सी, 50 रुपये में आपकी गाड़ी इतनी प्यारी लग रही है ना, नंबर प्लेट से गाड़ी बिल्कुल सेक्सी लग रही है। और ये मैंने क्यों किया आपको पहले भी पता है, मेरे बम्पर में यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने इस वजह से इसको यूज़ किया है यहाँ पर। तो होप सो आपको मैं आगे का भी दिखा देता हूँ सिस्टम, आगे का सिस्टम कैसा है। गाइस आगे कुछ ऐसा है, और यहाँ पर मैंने कल शाम को 2 ड्रिल मारे थे, मोटा बम्पर है 3 गेज का, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। मैं एक चीज़ ये सोच रहा हूँ क्योंकि नंबर प्लेट अगर मैं कुछ करूँगा तो यहाँ से मुड़ सकती है, टूट सकती है, मैं इसमें लगाऊँगा कब्जे, यहाँ पर कब्जे लगा के कब्जा मैं कस दूँगा बम्पर के साथ, और एक कब्जे का जो दूसरा बोल्ट होगा वो मैं कस दूँगा प्लेट के साथ। अगर मैं ऑफ रोडिंग करूँगा तो प्लेट मैं ऊपर कर दूँगा, और सामने से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो मेरी प्लेट अंदर मुड़ जाएगी, तो मेरी प्लेट डैमेज नहीं होगी। मैंने ये कुछ इस टाइप का छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट सोचा है, तो होप सो देखते हैं इसके बाद ये कैसा लगेगा। और दूर से कुछ इस टाइप से लग रही है गाड़ी। गाइस कपड़ों का मत जाना, कपड़े गंदे हैं। अब जो मैंने पीछे नंबर प्लेट इंस्टॉल करी है वो आपने देख लिया, थंबनेल में भी पता चल गया, वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको पता चल गया। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। मेरे पास एक लंबी पत्ती पड़ी थी, वो पत्ती मैंने 2 बारी कटवाई 7.5 इंच में। वो कटवाने के बाद उसमें मैंने एक 10 mm के बोल्ट का ड्रिल करा और एक थोड़ा बड़ा करा, जो आधे इंच का बोल्ट है जो स्टेपनी में लगता है। वो करने के बाद भी साइज मेरे पास जो बिट थी वो छोटी पड़ गई। बिट छोटी पड़ने के बाद मैं गया वहां पर गैस वेल्डिंग कराने, गैस वेल्डिंग कराई बट उसकी मेजरमेंट है ना सही नहीं बैठी। फिर मैंने दोनों पत्ती को इस एंगल में टेढ़ी करने के बाद उसमें मैंने प्लेट लगाई, बट प्लेट कभी मुड़ रही है कभी, तो मेजरमेंट उसकी सही नहीं आ रही थी। इनफैक्ट मतलब कि मेरे पास एक चीज है ना, लक बाय चांस मेरे पास पड़ी भी मिल गई, वो इनोवा गाड़ी में मैं यूज करता था, एक पत्ती थी जो इस एंगल में थी एल शेप में, उस पत्ती को मैंने क्या करा इस एंगल से चेंज कर दिया, मैंने ये कर दिया लाइक 4 इस शेप में कर दिया। इस शेप में करने के बाद मैंने उसको है ना स्टेपनी के एक बोल्ट में फंसाया, फंसाने के बाद उसमें मैंने नीचे करके ना एक पुरानी पत्ती पड़ी थी जिसको उसको मैं करके मैंने नंबर प्लेट को जोड़ दिया। बट इसमें क्या है, अभी जो पीछे वाली जो मैंने पत्ती लगाई ना पतली सी, वो थोड़ी सी टेढ़ी है तो वो अच्छी बैठ नहीं रही है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं इसको खोल के कल वो पत्ती फिर कटवाऊंगा लगभग 1 फुट की। कटवाने के बाद उसमें मैं 3 ड्रिल करवाऊंगा जिसमें सेंटर में लगेगी नंबर प्लेट जो स्टेपनी के पास से जो इस शेप वाली जो आ रही है पत्ती, उसमें साइड में लग जाएगी नंबर प्लेट वाले बोल्ट, और मेरी नंबर प्लेट तैयार है। अब इसको क्या कहेंगे, एक छोटा सा जोक सा पार्ट, सरकार ने जो NRC पंजीकरण चालू करी है ना तो उसका बहुत बड़ा धक्का बैठा मेरे को, तो मैंने ये करके इसको इंस्टॉल करवा दिया। मेरे को पुलिस वालों से भी खैर इतना डर नहीं था कि पुलिस वाले को चलान वाला ना काटेंगे, बट सरकार ने कहा कि भैया कर लो रजिस्ट्रेशन करा के, मैंने इसको इंस्टॉल करवा दिया। और इसमें टोटल खर्चा मेरा कितना है, टोटल खर्चा जो मैंने पहले वाले जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें मेरा 50 रुपये खर्चा आया, बट वो वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी, मतलब कि आधा दिन मेरा लगभग खराब हो गया इस वजह से। और जो मैंने सेकंड एक्सपेरिमेंट करा उसमें मेरी जो कॉस्ट आई है वो 0 आई है 0 कॉस्ट आई है। अगर आपको इसका कोई डायग्राम वगैरह कोई चीज चाहिए, कोई डिजाइन चाहिए, कितने इंचेस का है, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट है, तो वो आप मेरे को बताओगे तो वो उसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। उसके लिए आपको मेरे को ईमेल करना पड़ेगा जिसकी सारी डिटेल्स मैं ईमेल में दे दूंगा, और हो सकता है उसके मैं कुछ डिजाइन के मैं चार्जेस करूं। अगर आप एक प्रोफेशनल है जो आपके पास पूरा वर्कशॉप है, आप ये काम करते हो, बिजनेस डील करते हो, तो मैं आपसे चार्जेस करूंगा। अगर कोई जिसको पर्सनल यूज के लिए चाहिए तो उसके लिए कोई चार्जेबल नहीं है ये। गाइस इस वीडियो में अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार दो, एक नए एक्सपेरिमेंट है आपको पता ही, मैं ऐसे वीडियोस में एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं ताकि जो अब मेरा पूरा लगभग आधा दिन खराब हुआ है, 2 दिन 3 दिन की मेहनत है, इतने टाइम से मैंने ये सोचा था, और आपको सिर्फ 10 मिनट में ये वीडियो तोड़ मरोड़ के एक नया एक आपको मतलब कि रेडी टू ईट होता है ना, जस्ट फूड होता है रेडी टू ईट, एक आपको एक चीज मिली है। उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना फलाना ये इतना इंच का, ये इतने फुट का, और ये काट के ये इतना बोल्ट करके आपको फिक्स कर देना। तो आपको अगर ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, जल्दी से जल्दी 2-3 लाख सब्सक्राइबर मेरे बढ़ा दो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कर देना। कम से कम मैं चाहता हूँ इस वीडियो में व्यूज आए मेरे 2 लाख, और लाइक्स होने चाहिए कम से कम 50,000, बाकी आपके हाथ में बस। मैंने तो एक चीज थी मैंने बना के आपको दे दिया,
अब आपको क्या करना है, क्रिटिसाइज करना है, इसको सपोर्ट करना है, जो भी करना है वो आपके हाथ में, आप करो उसको।